बता दें उत्तर प्रदेश के उन्नाव के असोहा थाना क्षेत्र से आ रही है, जहां पर एक गांव में खेत से दो नाबालिग बहनों का संदिग्ध हालत में शव मिलने से हड़कंप मच गया है। दरअसल चारा लेने के लिए तीन नाबालिग बहनें खेत में गई थी। लड़कियों के चाचा को किसी ने सूचना दी कि तीनों लड़कियां खेत में पड़ी हैं और उनके हाथ और पैर बंधे हुए हैं। तीनों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां दो को डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। तीसरी की हालत नाजुक बनी हुई है, उसका इलाज कानपुर के रिजेंसी अस्पताल में चल रहा है। लड़कियों का शव गांव में तनाव है, उसकी वजह से एहतियात के तौर पर गांव के अलावा जिला अस्पताल में भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। पीड़िता की मां के मुताबिक लड़कियों के मुंह से झाग निकल रहा था, लेकिन कपड़े बिल्कुल ठीक थे, दुपट्टा भी सही से गले में मिला था, हाथ पांव नहीं बंधे थे। इस बीच इस घटना पर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष ने योगी सरकार पर एक बार फिर से हमला बोला है। पूरे परिवार को तन से मन से धन से हर तरीके से मदद करेंगे, और जिन लोगों ने जास्ती की है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं कि उसको तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये असोहा थाने में आज तीन लड़कियां अपने ही खेत में जो है बेहोशी के हालात में मिली थी, जिनको हॉस्पिटल में भेजा गया था, जिसमें से दो की वहां पे डेथ हो गई है और डॉक्टर के द्वारा भी प्रथम दृष्टया इसमें पॉइजनिंग के सिम्टम्स बताए गए हैं। अन्य सभी घटनास्थल पे उपस्थित लोगों के बयान दर्ज करके और जाँच की जा रही है, गहराई से जाँच की जा रही है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। नमस्कार, मैं हूँ अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।